हिंदू धर्म में 10 दिन तक गणेश उत्सव की धूम देखने को मिली। आज अनंत चतुर्थी के उत्सव पर गणेश जी को विदा किया जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं पंडित जी से। गणेश चतुर्थी को जो शुभ मुहूर्त में देखकर अपन गणेश जी स्थापित करते हैं, अपन पूजन अर्चन करते हैं, लाल वस्त्र पे उनको विराजित करते हैं, जो उनका पंचामत वगैरह छींटे कर देखे उनको स्थापित करते हैं, महाभोग लगाते, पूजन अर्चन करते हैं। वैसे ही जो 10 दिन तक अपन निरंतर यह पूजन अर्चन अपना प्रातःकाल और सायंकाल रहता है, एक समय निर्धारित रहता है, उसी प्रकार से अपन करते हैं। ठीक उसी तरह जब बप्पा का अपन विसर्जन करते हैं तो विसर्जन करते समय भी अपने को वही चीज़ देखनी चाहिए जो अपन ने स्थापना करते समय की थी, यानी कि भगवान का उस समय पे पूजन अर्चन जैसा पूजन अपने का वैसा पूजन अर्चन करना चाहिए, भगवान को भोग प्रसाद अर्पण करना चाहिए, और उसके बाद जिस तरह गाजे बाजे से अपन लाए थे उसी तरह गाजे बाजे से या गीत गाते हुए, जैसे भी कोई गाड़ी पे कोई कैसे भी तो भजन गाते हुए बप्पा को अपनी जो भी मनोकामना हो मनोकामना बोलकर विसर्जन करना चाहिए। बप्पा को जब आप विसर्जित करने जाए, चाहे तालाब में, नदिया में, नहर में, कहीं पर भी, तो वहाँ पर साथ में अपन गाजे बाजे के साथ ले जाते हैं, लेकिन एक पूजापा की जो थाली रहती है अपनी, अभी कंकु गुलाल जो कपूर वगैरह धूप बत्ती वगैरह ये सब साथ में रखना चाहिए। और 10 दिन तक जो बप्पा को अपन ने सामग्री चढ़ाई है, जब प्रारंभ में अपन स्थापित करते हैं तो पत्ते वगैरह लाते, आम के पत्ते, द्रोप वगैरह सभी लाते, वो सब सामग्री इकट्ठी करके साथ में लाके बप्पा को वहाँ घाट पे रखकर पूजन अर्चन, सच्चे मन से पूजन अर्चन करना चाहिए। और पूजन अर्चन करने के बाद उनका प्रसाद भोग लगने के बाद उनको जो वहीं से जल लेकर ठंडे छींटे बप्पा के ऊपर अर्पण कर देनी चाहिए, ठंडे छींटे अर्पण करने के बाद सर मनोकामना बोलकर बप्पा को विसर्जित कर देना चाहिए। अनंत चतुर्दशी से जो प्रारंभ होता है गणेश उत्सव और चतुर्दशी पर यह समाप्त होता है, उसी के उसमें संदर्भ में जो गणेश विसर्जन हमारा जो चतुर्दशी पर रहता है वो उसमें जो मुहूर्त की वैसे अपन बात करें तो मोटे शुभ मुहूर्त माने गए हैं वो प्रातःकाल से प्रारंभ हो जाते हैं, वो 9:15 बजे करीब प्रारंभ होंगे, 9:15 बजे तक 9:10 से चालू होकर 9:45 बजे तक वो चलते रहेंगे। और उसके बाद वो जो दूसरा जो मुहूर्त है वो भी दोपहर में ही प्रारंभ होगा, उसमें भी आप अपन देखेंगे कि 3:15 बजे से अगर वो अपन जो 3:15 बजे से अगर अपन चालू करें तो उसका टाइम हो जाएगा फिर 5:50 तक, और ये 5:50 तक ये पूरा होने के बाद ये आखिरी जो मुहूर्त रहेगा। और ये बात भद्रा की, भद्रा में कोई करते हैं तो कोई कार्य करते हैं तो वो अशुभ माना जाता है, किंतु भद्रा का जो माना गया है कि होली और रक्षाबंधन पे ही भद्रा का वो मान्य होता है, बाकी दूसरे बार त्योहारों पर भद्रा का कोई महत्व नहीं रहता है।